2021 में बीएड का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, पीएड का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया, और अक्टूबर में सहायता प्राप्त स्कूल जो स्कूल है बढ़ाना चाह रहे हैं, वहां टीचरों के जो इम्तिहान हुए उसका भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक कैसे होता है जब सरकार बैठी हुई है? पहले क्यों नहीं पेपर लीक हो रहे थे बहन मायती जी की सरकार में? तो इसके पीछे भी बहुत भारी षड्यंत्र है कि नौकरी ना देनी पड़े इसलिए पेपर लीक करा लो और इम्तिहान भरने के नाम पे पैसा जमा करवा लो और उसके बाद अपनी तिजोरी भरने का काम। तो इसलिए भाइयों आपको इनके बारे में समझने की जरूरत है। ये अभी फिर बीच में आपके आएंगे, धर्म के नाम पे आएंगे, कभी धर्म के नाम मुखौटा लगा करके आएंगे, कभी देश की बात करेंगे, कभी सुरक्षा की बात करेंगे, फिर से वादे करने का काम करेंगे, लेकिन अब की बार सतर्क रहने की जरूरत है। और खुशी की बात है पूरे उत्तर प्रदेश में जो 23 जुलाई से हम निकले हैं, 23 जुलाई से आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं, छठा महीना चल रहा है, हर जिले में जा चुके हैं, हर मंडल स्तर पर जा चुके हैं और अब सुरक्षित सीटों पर जा रहे हैं। सुरक्षित सीटें 86 हैं उत्तर प्रदेश में। 84 में जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और भाईचारा बनाने का काम किया था उसने और दलित समाज के साथ भाईचारा बनाया था जिसको कि सोशल इंजीनियरिंग का नाम पूरे देश में दिया गया था, तो उस समय आपने नतीजे जो आए थे देखा था। और क्यों नतीजे आए थे? क्योंकि ब्राह्मण समाज 14% उत्तर प्रदेश में है और 23% दलित समाज है और 30% के ऊपर चुनाव जीते जाते हैं। खाली दलित समाज और ब्राह्मण समाज मिलकर के ही ये लोग 40% के पार कर जाते हैं और फिर उनके साथ में तो पहले से ही हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो जब वो जुड़ जाते हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने से रोक सके। और 2017 में जिस तरह से हमने सरकार बनाई थी, अब की बार जिस तरह से प्रदेश में घूम के आए, ब्राह्मण समाज के बीच में पूरे 75 जिलों में हमने कार्यक्रम किए और अब हम जो है रिजर्व सीटों पे जा रहे हैं। अगले 5 दिन हमारे और कार्यक्रम है और जिसको कि 31 तारीख को खत्म होंगे जो कि अभी चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोग उत्साहित होकर के और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और इनके बुलडोजर जो धमकाने के लिए दिखाते हैं उन बुलडोजरों को इन्हीं की तरफ घुमा करके इनकी सरकार की तरफ बुलडोजर चलाने का काम करने के लिए अब की बार तैयार है कि बुलडोजर चला करके इनको अब की बार इनकी सरकार खत्म करने का लोगों ने जो संकल्प उठाने का काम किया है उसमें हमें पूरा विश्वास है। और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो भाई बहन है वो इनका असली चेहरा पहचान चुके हैं। 2003 में उन्होंने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। सबको मालूम, सबको याद है कि किस तरह से 37 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने एक असंवैधानिक आदेश पारित करके और उनको जोड़ देने का काम, उनका विलय करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में किया था, वो सभी को याद है। और कांग्रेस पार्टी ने उसमें अपना समर्थन देकर के सरकार बनाई थी। लेकिन अभी की 3 दिन पुरानी तस्वीर तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के कुछ हमारे लोग जो मित्र हैं उन्होंने ही भेजने का काम किया। उन्होंने कहा जो आप कहते थे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसका उजागर तो इस तस्वीर में हो रहा है। जरा आप भी देख लीजिए उस तस्वीर को, आपने भी देखा, आपने सोशल मीडिया में भी देखा, टेलीविजनों में भी देखा, अखबार में भी देखा किस तरीके से आरएसएस के मुखिया, इस देश के मुखिया जिनके जो कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे उनकी अन्य संस्थाएं हो उनके ऊपर उन्हीं का जो है कंट्रोल रहता है, उन्हीं के बंदोबस्त में चलते हैं सब। किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया और मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ में एक साथ बैठ करके एक सोफे में आपस में गलबैया कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और कैसे योजना बना रहे थे इस चुनाव के लिए कि अब कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे तुम्हें भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। और उनके सामने केंद्रीय मंत्री नतमस्तक थे, ये सभी ने देखा है। और इससे इनका असली चेहरा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, ये तो साबित होता ही है, लेकिन ये मिले हुए हैं और मिलकर